नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम मेकिंग न्यूज शेयर सच का साथ। खबर जनपद जलौन से आ रही है। जलौन नगर क्षेत्र का मामला आया सामने। एक विधवा महिला के साथ जेठ ने बलात्कार करने का किया प्रयास। देखिए मैं रिपोर्ट। जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र के सामने आया है, जहां एक विधवा महिला के साथ उसके जेठ ने बलात्कार का प्रयास किया। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार जालौन नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली विधवा महिला ने आरोप लगाया कि उसके जेठ ने उसके साथ शराब के नशे में धुत होकर शील भंग करने का प्रयास किया। महिला द्वारा विरोध करने पर चिल्लाने पर दौड़े मोहल्ले वासियों ने उसे बचाया, लेकिन तब तक महिला बेहोश हो गई थी, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन पहुँचाया गया है, जहाँ डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया है और पुलिस को संबंधित मामले में सूचना दे दी है। अच्छा, मामला क्या है? पूरा मामला बताओ। 10 बजे ऊपर आए थे जी, 10 बजे रात के। कह रहे थे हमारे साथ में लेट हो, हमने कि नहीं लेट। कह रहे तुम्हारे संग हम गद्दारी कर तुम्हारे संग। तुम्हारे साथ कुछ गलत किया उसने? जिन ने हमारे साथ कह लगे हमारे साथ लेट हो, हमने तुम्हारे रुपये चढ़ बैठा। कल लगे हमने कि हमारे वहाँ से भाग जाओ। कह रहे नहीं भागेंगे। फिर जब पर चढ़ बैठ के हमने चिल्लाने पापा सब लोग को चिल्ला, फिर पूरा मोहल्ला घाटो होगा। कल लगे तुम भाव को परेशान कर खा रहे हैं। अब तुम तो बोले चलो कोई वादा नहीं है तो ऊपर क्या चढ़े बहू, सब लोग हुआ पूरा मोहल्ला आएगा तब मैंने भगा जी तो। क्या मामला है पूरा? खर्चा पानी देखो खेच लेते वो खेच लेता जाने, और फिर हमको कम मंजूरी वाले आदमी गरीब हैं फिर देते खेच लेते और बेटी के संग गलत काम कर हमको काटे हम कुछ दब जाते हैं गरीब हैं। आज क्या घटना हुई? आज क्या घटना भाई, इनने गलत काम कर किया है। अब किसके साथ? बेटी के साथ। बेटी के साथ आपको कैसे जानकारी हुई कि आप कब पहुँचे यहाँ जालौन? ये बेहोश हुई तब पहुँचे हम। कैसे पता बेहोश हो गई? इनके ससुर ने फोन किया हमारे लिए। क्या है पूरा मामला? हाँ, एक महिला आई है हमारे यहाँ बेहोशी की हालत में आई है, जालौन कस्बे से आई है। हमने जब उनका उपचार किया तो महिला होश में आई। होश में आने पे महिला काफ़ी हुई डरी हुई थी। हमने पूछा महिला से क्या बात है, इतना क्यों डरे हो? तो उन्होंने बताया था कि मेरे साथ मेरे जेठ ने अभद्रता की है और मुझे काफ़ी प्रताड़ित कर रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको प्राथमिक उपचार दिया और पुलिस को सूचना द्वारा अवगत करा दिया।